गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र, यानी कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद वो आपका कहाँ कहाँ से जाके पास होता है और जाके लास्ट में एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। ठीक है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहूँगा। चलिए देखते हैं डायग्राम कैसे बनाते हैं। आपको बहुत दिक्कत होती होगी डायग्राम बनाने में, चलिए मैं बना देता हूँ, आप इन चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से माउथ पार्ट इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, माउथ पार्ट बनाने के बाद जब इधर आएंगे तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, राइट। इसको लिया इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक कर दिया। उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट जब बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट हम जो है बना लेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको ये भी बताएंगे, जो आपको ये स्मॉल दिख रही है इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और जो लार्ज दिख रही है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्यों। ठीक है, आप इस तरीके से डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लीवर की। लीवर आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप इस तरीके से बना लेंगे दो साइड, और इसको इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका पैनक्रियास, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके, यहाँ से आपका क्या होगा, इस तरीके से वेसल्स निकलेंगे। ठीक है, यहीं पे आपका क्या होगा, गॉल ब्लैडर। ठीक है, जहाँ पे आपका बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमारा फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे होता है। सबसे पहले वी टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ, है ना, यहाँ पे माउथ के अंदर फूड जाएगा। ठीक है, हमें पता है फूड के अंदर जो डाइजेशन होता है वो 20% डाइजेशन यही हो जाता है। ये आपका क्या है, इसोफेगस। ठीक है, ये इसोफेगस है, यानी कि हमारा जो फूड पाइप स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और डिफरेंट शेप लेकर, ठीक है, डिफरेंट शेप लेकर क्या होता है, एनस पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फूड पाइप है, यहाँ से माउथ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ जाके खत्म हो रहा है, एनस पे। एनस ये लास्ट वाला पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माउथ। ओके, अब हम बात करते हैं ये क्या है, आपका स्टमक है। ठीक है, कभी कभी आपको पेन होता है, कहते हैं स्टमक पेन हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका लिवर है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में छोटी होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत होता ना। देखिए सबसे पहले जैसे ही आपने फूड यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, आपके जो टीथ होते हैं, टीथ के द्वारा पटके टीथ क्या करेंगे, इसको जो है क्रशिंग करेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, आपका ये फूड है
फूड में सेलाइवा पहले मिक्स होगा यहाँ पे माउथ में, है ना, क्या मिक्स होगा, सेलाइवा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ में होता क्या है, ठीक है। माउथ में होता है फूड की चविंग और क्रशिंग, चविंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, सेलाइवा मिक्स्ड विद फूड कॉल्ड बोलस, ठीक है, ओके। देखिए ये जो चविंग और क्रशिंग होती है इसको हम बोलते हैं मास्टिकेशन, जब फूड का मास्टिकेशन होता है और जब उसमें सलावा मिक्स हो जाता है और ये पेस्ट टाइप का बन जाता है इसको हम बोलते हैं बोलस। यानी कि जो फूड अब यहाँ पे पास हो रहा है ये क्या है, इसको बोलेंगे क्या, बोलस। जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ का पीएच कितना होता है, 2, हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। अब आया कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। जैसे स्टमक में फूड आएगा तो क्या होगा, जो फूड है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, माउथ में हम बता चुके हैं 30% जो है डाइजेशन हो जाता है, सेलेवी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सेलेवी ग्लैंड से क्या निकलता है, सेलावा निकलता है, वो मिक्स हो जाता है, उसके बाद फूड को हम क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। बोलस इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, आपका स्टमक में पहुँचेगा, जहाँ पे हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर किल हो जाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे स्टमक का जो एसिडिक मीडियम होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जितने भी खाने के साथ में जितने भी बैक्टीरिया या जर्म्स जाते हैं वो सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो कि इसकी इनर वॉल से सीक्रेट होते हैं, ठीक है, और इसकी इनर वॉल से जो पीएससी आपका एसिडिक एसिड सीक्रेट होगा एचसीएल, ठीक है, वो इसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रशिंग फूड एंड HCl mixed in it, food become like thick soap, ये आपका अलग पार्ट है, ठीक है, like thick soap, है, ओके। यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ से ये पास होगा, ठीक है, ये जो जगह होती है इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाइन, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से फूड पास होगा तो क्या होगा, लिवर से बना हुआ बाइल जूस जो कि आपका कहाँ पे इकट्ठा है, ये गॉल ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में आपका जूस नहीं बनता है, ये कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। लिवर से बना हुआ बाइल जूस आपका यहाँ पे जो इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में, ये किसके द्वारा आता है, डक्ट के द्वारा, ये वेसल्स नहीं होती है, डक्ट होती है। और यहाँ से जैसे ही पास होगा फूड, ये तभी जाके मिक्स होता है, यहाँ से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, ये क्या है आपका, पैनक्रियास, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा निकलेगा, जो कि बेसिक मीडियम में होता है, यानी कि पीएच 7 से ज़्यादा होगा, 8.4 के समथिंग, ठीक है। और ये आपका किस में चला जाएगा, आपका फूड चला जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम बात करेंगे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उससे पहले हम लिख लेते हैं लिवर, ठीक है। लिवर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस बाय जूस एंड कलेक्टेड इन गॉल ब्लैडर, जो कि कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ये आपका जो है वो क्या है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो गया इसमें। अब जब भी फूड यहाँ से पास होगा उसी टाइम पे ही ये क्या होगा, आपका बाइल जूस मिक्स होगा। क्वेश्चन आता है आपका ये कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये जरूरी क्यों होता है डाइजेशन के लिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
emulsification of fat. emulsification का मतलब क्या होता है, यानी कि फैट को जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे ताकि वो आराम से एब्जॉर्ब हो पाए. हम जितना भी रिफाइंड घी ऑयल बटर वगैरह खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है. वो फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कौन तोड़ता है, आपका बाइल जूस तोड़ता है. ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, बाइल जूस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चलिए नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उनके फंक्शन क्या क्या है. ठीक है, नोट डाउन करिए. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, जैसे फूड यहाँ से कहाँ से आपका स्टमक से जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी जूस होंगे वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा पीस यहाँ से ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी इनर वॉल होती है वो इस तरीके से फोल्ड होती है. ठीक है, इन फोल्डिंग को फिंगर लाइक जो फोल्डिंग है इन फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, विलाई. क्या बोलते हैं, विलाई. ठीक है, ओके. इन विलाई में आपका क्या होता है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स आपकी अटैच होती है. क्या होता है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स अटैच होती है. अगर एक हम सिंपल इतना स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इतना अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो हम पाएंगे, या फिर हम ये स्ट्रक्चर निकाल के देखें तो हम पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसमें क्या है, आपके ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स आपके अटैच हैं. जैसे ये फूड यहाँ से पास होगा, डाइजेस्टेड फूड, तो क्या होगा, लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स क्या होंगे, ये इसकी जो सरफेस है विलाई की क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी. इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी. राइट, न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स में, न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे. और जो भी आपका फैट होगा वो फैट आपका लिम्फ वेसल्स के थ्रू आपका लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, एक है आपका ब्लड वेसल्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है आपका लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम. राइट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड में डाइट में, वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, वो होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके द्वारा विलाई स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, विलाई. ठीक है, विलाई के द्वारा क्या हो रहा है, जितना भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, इसमें ये क्या होता है, एक ब्लड वेसल्स होती है. ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, लिम्फ वेसल्स. ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अदर देन द फैट, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिए जाते हैं, और जो आपका फैट होता है, ठीक है, वो लिम्फ वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क आपका यहाँ तक हो गया. और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट मिक्स्ड इनटू द ब्लड एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ठीक है, जितने भी आपका चाहे ग्लूकोज हो,
चाहे वो आपका विटामिन हो या मिनरल हो, वो किसके साथ अटैच हो जाते हैं, वो आपका ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड के साथ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमारी प्रत्येक सेल्स तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे हो गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसका जो मेन काम है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, राइट, यानी कि बड़ी आंत। जैसे कि मैंने आपको बताया जो बड़ी आंत होती है वो लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो भी आपका क्या बचा, फूड बचा, वो फूड कहाँ पहुँच जाएगा, वो फूड पहुँच जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे जाएगा, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड गोज या गोइंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द विच साइड, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ इकट्ठा होगा, वो होगा आपका रेक्टम में। कहाँ पे है ये रेक्टम, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और टाइम टू टाइम आपका एनस के द्वारा बाहर चला जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन इन इट मोस्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। ठीक है, जितना हमारे बॉडी को जरूरत रहती है उतना वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है एंड फूड, या फूड नहीं लिखेंगे अनडाइजेस्टेड फूड लिखेंगे, एंड अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन रेक्टम एंड एक्सक्रीट टाइम टू टाइम बाय द एनस। ठीक है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से आपका क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन और होगा, क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे और वाटर जो एब्जॉर्ब होगा वो कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ ही फूड कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रेक्टम बोलते हैं और टाइम टू टाइम आपका एनस के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया क्या, माउथ पढ़ लिया, माउथ के अलावा हमने स्टमक पढ़ लिया। स्टमक में HCl ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, PH2 होता है, तो जितने बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। लिवर से बाइल जूस डक्ट के द्वारा आता है, ठीक है, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, और ये यहाँ पे आके पैनक्रियाटिक जूस के साथ जब फूड पास होगा कहाँ से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, उसी टाइम पे आपका पैनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से निकला हुआ क्या, बाइल जूस इसमें मिक्स हो जाता है और यहाँ पे जो भी आपकी प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की वो यहाँ पे चलती है बिलाई लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड आपका रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा और टाइम टू टाइम एनस से बाहर आ जाएगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर होता है, तो हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।